बचाएगा पाकिस्तान, कैदी नंबर 804। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आज लाहौर में इमरान की पार्टी पीटीआई का जलसा हुआ। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर इमरान समर्थक लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान के हर कोने से इमरान खान के समर्थकों का काफिला लाहौर पहुंचा। पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने शहबाज सरकार को झटका देते हुए न सिर्फ पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, बल्कि जलसे के लिए भी इजाजत दे दी। लेकिन इमरान खान जेल बैठा है, जलसा का भी नहीं आया और लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, ये रिकॉर्ड भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा सकती है। 20 से 25,000 का क्राउड जो एक पेसिमिस्टिक नंबर है, ये बहुत बड़ा क्राउड है, ये अच्छा क्राउड है, इसको अच्छा जलसा कहा जा सकता है। रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डिस्करेजिंग फैक्टर्स बताए हैं, आपको उसको नोट करना है। मुस्लिम नून के लोग या पंजाब गवर्नमेंट के लोग वो जो मर्जी कहते रहे कि जी फ्लॉप हो गया, ये नहीं था, वो नहीं था, अंधेरे के अंदर लोग खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान के चर्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में सरहद पार, भारत में भी इसके खूब चर्चे हो रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जेल में बैठा शख्स और उसकी एक आवाज़ में कैसे लोग लाहौर के जलसे में पहुँच गए। पार्टी लीडर का ना होना और आवाम का इस तरह तमाम रुकावटें तोड़ कर जलसा गाह तक पहुंचना इतना आसान ना था। पुलिस की भगदड़ कर कंटेनर्स लगा कर तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने के बावजूद आवाम का जेल में बैठे एक शख्स की आवाज़ पर लाहौर जलसा गाह तक पहुंचना हैरानगी की बात है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इंडियन मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। करीब 1.5 साल से शांत बैठे इमरान के समर्थक अब सड़कों पर, शहबाज सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और गरीबी भुखमरी से त्रस्त आवाम भी अब इमरान का साथ देने लगी। मतलब कि जिन हालात के जरिए शहबाज सरकार ने इमरान को बेदखल कर सत्ता हासिल की थी, एक बार फिर पाकिस्तान में वही हालात बन रहे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जल्द ही शहबाज शरीफ की विदाई तय है। शहबाज और मुनीर की जोड़ी के खिलाफ ही इमरान खान का ऐलान जंग है। ये हंसी शहबाज और मुनीर को शूल की तरह कानों में चुभ रही होगी। 2.5 मिनट के इस वीडियो को पीएम ऑफिस से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में रिवाइंड कर करके देखा जा रहा है। इमरान खान जेल में बंद है। 5 अगस्त 2023 के बाद से इमरान समर्थक पहली बार एकजुट हो रहे हैं और इस्लाम बंदी ने पाकिस्तानी सरकार को बेचैन कर रखा है। आज लाहौर में इमरान की पार्टी पीटीआई का जलसा हुआ। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर इमरान समर्थक लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान के हर कोने से इमरान खान के समर्थकों का काफिला लाहौर पहुंचा। इमरान खान के समर्थन में आए लोगों की भीड़ शहबाज और मुनीर की नींद उड़ाने के लिए काफी है। शहबाज सरकार ने इस जलसे को रोकने के लिए अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन पाकिस्तान में बेचैनी ऐसी कि जनता अब सरकार बदलने के बगावत पर उतर आई है। पाकिस्तान से लगातार आ रही ऐसी तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान की आवाम अब बेचैन हो उठी है। हर जगह सेना का दखल और पाकिस्तान की गिरती साख से हर आम पाकिस्तानी परेशान हो चुका है। शहबाज इस बात को जानते हैं कि जनता की अंगड़ाई उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी है। करीब 1.5 साल पहले तक जो भीड़ शहबाज के पीछे खड़ी थी, पाकिस्तान की जो आवाम इमरान के खिलाफ बगावत कर रही थी, अब उसी आवाम ने शहबाज का साथ छोड़ इमरान का दामन थाम लिया है। 1.5 साल पहले गाड़ियों का जो काफिला शहबाज का समर्थन करता था, वो अब इमरान के लिए नारे लगा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि करीब 1 साल पहले जो हश्र इमरान खान का हुआ, आने वाले कुछ दिनों में शहबाज और मुनीर को भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ सकता है। केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे पाकिस्तानी भी इमरान की रिहाई के लिए लाहौर कूच करने लगे। इमरान समर्थक न सिर्फ गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, बल्कि शहबाज और सेना की तानाशाही पर भी निशाना साध रहे हैं। इमरान खान के समर्थन में आयोजित जलसे को रोकने के लिए शहबाज सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। एक दिन पहले से पीटीआई के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने शहबाज सरकार को झटका देते हुए न सिर्फ पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, बल्कि जलसे के लिए भी इजाजत दे दी।
शहबाज और मुनीर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ऐसे जलसे और रैलियों का पाकिस्तान में क्या नतीजा होता है। 15 दिनों के अंदर दो बड़े जलसे से शहबाज को अपनी कुर्सी पर खतरा साफ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि इमरान समर्थकों को रोकने के लिए शहबाज और मुनीर ने सारी ताकत झोंक दी। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं वो बताने के लिए काफी है कि अब पाकिस्तान में तख्ता पलट दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो ये है कि लीडर ही नहीं था जलसे में। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब को 4 साल के बाद बर्तानिया से बुलाया गया कि जी रीलॉन्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, पूरे पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान की चारों गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट कर रही थी, हर तरफ से जोर लगाया जा रहा था, बलूचिस्तान तक से लोगों को भर के लाया गया, हर जगह से बसें और वैगने पहुंचाई गई। उसके आप मनाजिर देखें तो मियां साहब का पंडाल खाली था। 4 साल बाद एक बंदा पाकिस्तान वापस आया, उसको रीलॉन्च किया गया और बनारे पाकिस्तान पे तमाम फैसिलिटीज, खाना पीना, कुर्सियां, साउंड सिस्टम, दुनिया की हर तरह की फैसिलिटी के बावजूद लोग नहीं आए। ये 1 साल पुरानी बात है, पिछले सितंबर में। लेकिन इमरान खान जेल बैठा है, जलसा का भी नहीं आया और लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, यह रिकॉर्ड भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा सकती है। एक चीज और है, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में यह कहा गया था कि उनको किसी हाल में भी जलसागा नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यानी अली अमीन गंडापुर साहब अपने काफिले के साथ आ रहे थे तो कोशिश यह की गई कि रस्ते में जगह जगह रुकावटें डाली जाए। जैसे ही वो एक रुकावट अबूर करते थे तो यह बताया जाता था कि आगे नई रुकावट डाली जाए ताकि अली अमीन गंडापुर टाइमली जलसागा में ना पहुंच सके। तो इस तरह बार बार रुकावटें डाली गई और कोशिश की गई कि 6 बजे तक अली अमीन गंडापुर ना आए। और इसमें पंजाब हुकूमत को कामयाबी हुई, उन्होंने 72 रुकावटें डालकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रोका। लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आखिरी रुकावटें अबूर करके पैदल चलते हुए जलसागा में पहुंचे। लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने कहा जी देखे मैंने अपनी हाजिरी लगवानी थी, मैं जलसे में पहुंच गया हूं। यानी उन्होंने अपनी जिद पूरी की, मैंने आना था मैं आ गया। वहां आकर उन्होंने कहा कि मैं जल्दी इमरान खान को रिहा भी करवाऊंगा, मेरा आपसे वादा है। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मुख्तसर तकरीर की, उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां से वापस रवाना हुए। अब जलसे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कंपेन जो है वो जोरों शोर से चलाई जा रही है। इसमें ये कहा जा रहा है पंजाब नहीं आया, कोई कह रहा है ये लाहौर नहीं आया, फलां फलां। मगर इस जलसे की रिपोर्टें और आवाज, यानी इस जलसे की जो रिपोर्टें बनी है और जो आवाज जहां तक पहुंचनी थी ना वो वहां तक पहुंच गई है और मैसेज बड़ी अच्छी तरह कन्वे हो गया है कि लाहौर के शहरी और पंजाब आज भी इमरान खान के साथ उसी तरह खड़ा है जिस तरह 8 फरवरी को खड़ा था, जिस तरह पिछले साल खड़ा था, जिस तरह उसने पिछले साल खड़ा था। तो आज भी पंजाब के शहरी और पंजाब के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब सिर्फ 2 बातें हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, रुकावटों के बावजूद 1.5 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने में कामयाब हो गई और उन्होंने लोगों को निकाल भी लिया। नंबर 1 यह चीज है। नंबर 2, अली अमीन गंडापुर ने अटक का पुल भी क्रॉस कर लिया, वो लाहौर भी पहुंच गया, वो जलसागा में भी पहुंच गया और उसने जितनी बात करनी थी वो भी कर ली। 2 चीजें क्लियर हो गई। और एक और चीज भी क्लियर हुई कि बिजली बंद करके, साउंड सिस्टम बंद करके हुकूमत ने अपनी नाकामी पर ठप्पा भी लगा दिया। अगर इन शरायत के साथ पाकिस्तान में जलसे होंगे ना तो फिर कोई पार्टी कभी भी जलसे नहीं कर पाएगी। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि इन शरायत के साथ जब जब पाकिस्तान में जलसे होंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी भी जलसे नहीं कर पाएगी। इस वक्त मुल्क में अवामी हुकूमत नहीं है, जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। लेकिन जब भी अवामी हुकूमत आएगी तो ये जाली मैंडेट वालों का क्या बनेगा? ये तो बेचारे खरीद खरूद के जलसा करते हैं, इनका जलसा तो भरता भी नहीं है, इनको तो पहले ही अवाम की मकबूलियत नहीं है। तो जब ये अपोजिशन में जाएंगे और इनको जलसा करना होगा और इसी तरह की शरायत फोटोकॉपी करके इनको दे दी जाएंगी कि इनके ऊपर आपने अमल दरामद करना, इतने बजे जलसा खत्म हो जाएगा, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिम्मत है कि वो उस टाइम पे ना सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि उन्होंने जलसा का भर के भी दिखा दी और उन्होंने 6 बजे से पहले जलसा करके भी दिखा दिया। 20 से 25 हजार का क्राउड जो एक पेसिमिस्टिक नंबर है, ये बहुत बड़ा क्राउड है, ये अच्छा क्राउड है, इसको अच्छा जलसा कहा जा सकता है। रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डिस्करेजिंग फैक्टर्स बताए हैं, आपको उसको नोट करना है। मुस्लिम नून के लोग या पंजाब गवर्नमेंट के लोग वो जो मर्जी कहते रहे कि जी फ्लॉप हो गया, ये नहीं था, वो नहीं था, अंधेरे के अंदर लोग खड़े हुए हैं, जलसा चल रहा है, लोग अंधेरे में खड़े हुए हैं, मोबाइल फोन की अपनी टॉर्चें जो है वो ऑन कर रहे हैं, जलसे के अंदर जो है इमरान खान नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बानी रहनुमा है वो मौजूद ही नहीं है, वो बंदा जो जलसे एक्चुअली वो ड्राइव करता है, जो करवाने वाला जलसा है वो है ही नहीं। इसके बावजूद अगर इतना क्राउड बाहर निकल रहा है ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लाहौर में खास तौर पे मेरी नजर में अगर ये आपने सारा कुछ मीनार पाकिस्तान में कर दिया होता, मैं ये समझ सकता हूं कि ये जितना क्राउड आपने इस जगह पे देखा है और कुछ नहीं, से डबल क्राउड होना था। आपने रस्ते क्लियर किए होते,
ट्रैफिक का निजाम सही तरह, जिस तरह जिन्होंने कहते हैं ना सरकारी ट्रैफिक प्लान जिसे कहते हैं, जिस तरह बनता है आमतौर पर जो सरकारी जलसे होते हैं ना, जब उनके लिए ट्रैफिक प्लान बनता है तो उस तरह का ट्रैफिक प्लान बना होता, मीनार पाकिस्तान आपने रखा होता, जगह आपके पास बड़ी होती, मेरा ख्याल में से डबल क्राउड आ सकता था। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया।